नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं तमाम क्षेत्रों की विशेष खबरें, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां निकाय चुनाव को लेकर जहां अटकलों पर विराम लगा हुआ है, वही लगातार लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट द्वारा सिर्फ तारीख मिल रही है, लेकिन अभी फैसला आना बाकी है। ऐसे में नगर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी अपनी दावेदारी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। महिला सीट होने के बाद महिला प्रत्याशियों के पति लगातार जनसंपर्क कर लोगों से अपना समर्थन मांग रहे हैं। वहीं सपा प्लस बसपा को छोड़ भाजपा के संभावित प्रत्याशियों की होड़ लगी है, जो अपने इस संदर्भ में भाजपा मंडल अध्यक्ष संजीव पांडे ने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, जिसका फैसला आना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी आरक्षण को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है। तत्पश्चात शीर्ष नेतृत्व बैठक कर प्रत्याशी तय करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोग नगर पंचायत भी जीते हैं। मोदी जी तथा योगी जी के कार्यों को लेकर कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है वो चुनाव जीतेगा। लालगंज में 8 नगर पंचायत में जीत दर्ज करेंगे। वही सपा नेता पप्पू यादव ने बताया कि वर्तमान समय में सपा नगर पंचायत में, जिसके लिए कभी कोई रहा ही नहीं, भाजपा नगर पंचायत में कभी नहीं थी। यहाँ लोग सिर्फ दावे करते आए हैं और चले जाएंगे। भाजपा को अभी प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं, तो प्रत्याशी घोषित कैसे करेंगे? प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। सपा के प्रत्याशी के रूप में सुभाष चंद्र जायसवाल जैसा कोई प्रत्याशी ना था और ना ही रहेगा। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सपा की है, जहां भाजपा का कमल कभी नहीं खिलेगा। आइए सुनाते हैं कि भाजपा के पदाधिकारी और सपा के पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले भैया अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम पप्पू यादव है। ये बताइए, नगर पंचायत अतरौलिया में समाजवादी पार्टी के क्या प्रकार है और क्या रणनीति चल रही है कि इस पर नगर चुनाव जीता जाए? यहाँ तो ऑलरेडी है समाजवादी पार्टी, यहाँ रणनीति क्या बनाना है? यहाँ कभी और कोई था ही नहीं। जैसे भाजपा दावा कर रही है कि इस बार हम परिवर्तन लाएंगे, कमल खिलाएंगे, भाजपा तो यहाँ कभी थी ही नहीं। यहाँ माननीय बाबू जी थे मंत्री, तब भी नहीं थे। शानदार विधायक संग्राम यादव जी हैं प्रेजेंट में, तब भी नहीं। यहाँ ये लोग दावे करते रहते हैं, आएंगे चले जाएंगे करते करते। अभी तक भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, उनको मिल ही नहीं रहा प्रत्याशी, क्या घोषित करेंगे? बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी हो तब ना घोषित करें। और ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहेंगे, ऐसे आएंगे और चले जाएंगे। जैसे अपने नगर पंचायत में कई वर्षों से, कई बार से हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनके ऐसे कोई कार्यकाल बताइए, क्या उनके टक्कर का भाजपा को कोई प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है? न कोई था, न कोई है और न इन फ्यूचर कोई रहेगा। क्या लगता है, आजमगढ़ जिले में जो 3 नगरपालिका है और 13 नगर पंचायत है, भाजपा दावा कर रही है कि हम सब पे कमल खिलाएंगे, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? न उनका कमल यहाँ खिला है और न कमल खिलेगा। और रही बात आजमगढ़ की, तो हमारी 10 विधानसभाएं समाजवादी के हैं। जैसे दावा कर रही है कि आपकी सांसदी में हमारे नेहरू जी ने परिवर्तन लाया है, हम पूरे क्षेत्र में जीतेंगे। नेहरू जी तो वो एक्सीडेंटल हैं, वो संजोग हैं, संजोग बस हो गए हैं, अब उनका भविष्य कुछ नहीं है। देख रहे हैं एक आंदोलन, किसान आंदोलन हो रहा है, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। वहाँ की जनता खुद ही उनको खदेड़ रही है, वो वहाँ पहुँचे तो पहले। अपने नगर पंचायत का 5 ऐसा कार्य बता दीजिए जो हमारे चेयरमैन साहब ने किया है। कोई ऐसी गली नहीं है आशीष जी माननी, कि जहाँ आप कच्ची मिट्टी तक पा जाए। इतनी शानदार है ये टाउन कि शायद उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी टाउन हो। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सुनील कुमार पांडे, यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा क्या तैयारियाँ कर रही है, इसके बारे में बताइए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है और हम अपने हर वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ताओं की को लगा दिए हैं, हम वार्ड मंत्री बनाए हैं, हम बूथ अध्यक्ष बनाए हैं, वार्ड संयोजक बनाए हैं। हम अपने हर बूथ पर हम अच्छी खासी टीम तैयार कर रहे हैं। क्या है कि अभी भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया? प्रत्याशी चयन की अभी जो है, देखिए आप देख रहे हैं आरक्षण को लेकर के कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट आज भी सुनवाई होने वाली है, इसके बाद हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, तय करेगा। ये लगता है नगर पंचायत अतरौलिया में कई दिनों से सपा का इलाका आपके प्रत्याशी जिसको आप चुनेंगे वो भेज पाएगा। जैसे कि हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि अभी पिछले विधानसभा के चुनाव में हम जो है नगर पंचायत में जीते हैं और हमारा कोई भी कार्यकर्ता यहाँ इस समय जो है इस स्थिति में है, हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी के कामों को लेकर के कोई भी कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता बेस पार्टी, कार्यकर्ता कोई पार्टी चुनाव लड़ाएगी और कोई भी कार्यकर्ता चुनाव जीतने में सक्षम होगा। जैसे आजमगढ़ जिला की बात करें, 13 नगर पंचायत है, 3 नगर पालिका है, क्या आप कितनी सीट जीतने का दावा करते हैं, भाजपा कितनी सीट जीत सकती है? अब यह तो
इसके लिए तो हम अपने नगर पंचायत के बारे में कह सकते हैं, और जीतने के लिए तो हम आठ के हमारे जो है जिले लालगंज में आठ नगर पंचायत हैं, और आठों नगर पंचायत को हम जीतने का प्रयास कर रहे हैं, जीतेंगे।